नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन। स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, आज से आपके लिए लेके आए एक न्यू डॉग की वीडियो कि हाउ टू चेक द प्योरिटी ऑफ ए गोल्डन रिट्रीवर। कि आप एक घर के अंदर एक नया पपी लेके आने वाले हैं तो उसकी क्या क्या चीज़ें देख करके आप लाएं कि आपको चल पाए पता कि ये सच में ही गोल्डन रिट्रीवर है भी या आपको कोई भेड़ रहा है। मतलब एक अच्छी क्वालिटी का पप क्या होना चाहिए, उसका कैसा दिखना चाहिए। मैंने अभी एक पपी मंगाया है, लास्ट वाली वीडियोस में देखा होगा, इंट्रोड्यूस कराना भूल गया था, तो आपको आज इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैगी कम, मैगी कम ऑन, कम बेटा आ जाओ। तो दोस्तों, ये है हमारी मैगी। ये देखिए, ये गोल्डन रिट्रीवर मैंने मंगाया था, ठीक है। तो देख के बताएं क्वालिटी वाइज। आपको आज सारा डेफिनेशन दूंगा इसकी। अब आप कहेंगे कि ये नाड़ा क्यों बांध रखा है। एक्चुअली इसका पट्टा लेके आए थे, पट्टा इसने काट दिया है, खोल लेती है बार बार। सो दैट्स वाई हमने इसे टाई अप करने के लिए बांधा है कि हम इसे टाई कर सकें अच्छी तरीके से। और आज आपको फुल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा इसकी कि अगर आप एक गोल्डन रिट्रीवर लेके आ रहे हैं या आपके पास में है गोल्डन रिट्रीवर पहले से, तो उसके अंदर आपको क्या क्वालिटीज देखनी पड़ेंगी, आपका खुद का जो डॉग है वो असली भी है या आपको किसी ने भेड़ दिया। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, आई होप आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। शुरुआत करते हैं गोल्डन रिट्रीवर से। ये देखें आप, ये कंप्लीट पपी है जो हमने मंगाया है। इसकी एज कंप्लीट 2 मंथ की होने वाली है, 2 दिन छोटी है सिर्फ 2 मंथ से। अभी छोड़ के भी दिखाऊंगा आपको। फुल्ली एक्टिव और सेंसिबल डॉग है, इतनी ज़्यादा एक्टिव है। आपको छोड़ूंगा अभी, रैक्स भी यहीं पे है अपना। और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखनी है, एक तो ये एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी आप एक न्यू पपी लेके आएँ तो आप एक तो उसका वेट देखें, देखें आप कहीं से कमज़ोर तो नहीं है, पॉटी कैसी कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ें तो हो गई सिंपल चीज़ें। उसकी आँखों के पास में पानी तो नहीं आ रहा, पानी आ रहा तो उसका मतलब वो सिक है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। उसका जो पूरा फर है, उस फर में कहीं पे बाल चिपके तो नहीं पड़े, क्योंकि वो बाल चिपके पड़ेंगे तो वहाँ से आपको काटने पड़ेंगे, वो सही नहीं होंगे, फिर वो पूरा पैच बन जाएगा जो बेकार लगता है, ठीक है। वैक्सीनेशन भी इसका होना है, कैसे कैसे होना है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसका वैक्सीनेशन कराएंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया, वो इसलिए नहीं करवाया मैंने क्योंकि चक्कर क्या था, जब मैं इसको लेके आया था तो ये 45 डेज़ की थी, और जब घर चेंज होता है डॉग का तो थोड़ा सा बुरा मानता है, आप भी मान सकते हैं कि बुरा उसे लगेगा, ठीक है, और लगेगा क्योंकि घर चेंज हो गया है, और थोड़ा ठंडक ज़्यादा थी। तो अभी 1-2 दिन में इसका वैक्सीनेशन हो जाएगा, 9-in-1 इसको लगवाएंगे हम। 9-in-1 जो वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन होता है वो लगेगा इसको स्पेशली। और अब बात करते हैं कि आप एक डॉग के अंदर जो आप गोल्डन रिट्रीवर लेके आ रहे हैं या आपके पास में वो पहले से है, तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ देखें कलर, इसमें 2 तरह के कलर आते हैं, अब तीसरा भी आ चुका है वाइट, लेकिन जो मोस्टली कलर डिमांडिंग होता है वो होता है गोल्डन कलर, क्योंकि नाम ही जब गोल्डन रिट्रीवर है तो कलर भी गोल्डन होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसके ईयर्स, ईयर्स जितने लंबे होंगे लॉन्ग होंगे, और ये देखें आप गिरे हुए होते हैं कानन के, कभी कानन के खड़े हुए इस तरीके से नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। आईज़ देखें आप, कितनी प्यारी आईज़ हैं। फेस शॉर्ट रहता है थोड़ा और बॉक्स टाइप में रहता है इसका भी। टेल जो होती है, टेल देखें आप, टेल भी छोटी सी रहती है। और बाल, फर की बात करूँ तो भाई फर जितना ज़्यादा फर हो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके पपी के लिए, क्योंकि आपको अभी से इतना फर है तो जब ये बड़ी हो जाएगी, कंप्लीट बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये चैंपियन ब्लड लाइन की है, ठीक है, चैंपियन ब्लड लाइन की शो क्वालिटी पपी मंगाया है मैंने, तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो एग्जैक्ट इसको आपको देखने को मिलेगा कि इसका क्या बिहेवियर है, कैसे ओबीडियंट है। बहुत अच्छा ट्रेंड हो जाते हैं ये डॉग, तो ये फैमिली पर्पज़ डॉग हैं, कोई अग्रेसिव नहीं है नेचर के, बहुत अच्छे रहते हैं फैमिली के साथ में। प्लस आपको भी छोड़ के दिखाता हूँ इसे, देखिए मस्ती कितनी करती है। हेलो, तो ये देखें आप, कंप्लीट इसकी क्वालिटी जो है आपको सामने शो है। और ये जो पपी आया है हमारे पास बंटी कैनल के नाम से, जो भैया हैं बंटी पराशर, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, वहाँ से ये पपी हमारे पास में आया है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आपको भी किसी को चाहिए हो तो बंटी भाई हैं दिल्ली वाले, उनसे आप पपी परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी, हैवी बोन्स, शरीर बहुत अच्छा, इसको फीड भी करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, फूड दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि आप पालते हैं तो अच्छी तरीके से पालेंगे। ये हमारे रैक्स महाशय, जो हमारे ब्लैक पग रैक्स, ये लौंडा आज पूरे फॉर्म में है। और ये हमारी अवनी, हेलो कर दो सबको, पूछ लो कैसे हो,
तो भाई इस तरह की क्वालिटी आप देख करके जज कर सकते हैं कि एक अच्छे पपी के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फुल्ली जब भी ये देखेंगे आप कि जो गोल्डन रिट्रीवर पपीज होते हैं, जब भी ये चलेंगे तो इनकी टेल लगातार हिलती है, लगातार इनकी टेल हिलेगी। ये चीज क्वालिटी देखें आप, पंजे देखें आप इनके, मैं काम पंजों के जो नीचे का पाव होते हैं वो बिल्कुल जेट ब्लैक रहते हैं, कलर गोल्डन भी है, क्रीम कलर भी आता है और वाइट भी आता है, लेकिन जब पपी का नाम ही गोल्डन रिट्रीवर है तो गोल्डन ज़्यादा बेटर रहता है, जितना डार्क गोल्डन हो उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ देख करके आप परचेज कर सकते हैं एक अच्छा पपी मार्केट से, ठीक है, या फिर बंटी भाई का डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं, पराशर कैनल के नाम से उनका कैनल है, ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हैं। बाकी रेक्स महोदय हमारे, ये हेलो रेक्स, हाउ आर यू, ये देखिए आप, मतलब ये मस्ती ऐसा नहीं है कभी कभार करती है, हर टाइम मस्ती करती है, सबसे अच्छी बात इस ब्रीड की यही है। ठीक है, अभी मेरे पास आ गई, भाग के इसने देखा यहाँ मैं बैठ गया हूँ आकर के। भाई इस तरह का पपी आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और अपने डॉग में भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका डॉग भी असली गोल्डन रिट्रीवर है तो उसमें ये क्वालिटीज एग्जैक्टली होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वालिटीज पे अगर आपका पपी स्टैंड करता है, नोज मोस्टली ब्लैक होती है, आजकल दूसरी नोज भी आ गई है लेकिन ब्लैक नोज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इनके अंदर, और का ईयर्स लंबे, बाल फर जितना ज़्यादा हो उतना बेटर, टेल छोटी और बिल्कुल सीधी, ऐसे नहीं होगी पग की तरह नहीं होगी या देसी कुत्ते की तरह नहीं होगी, छोटी टेल है ये देखें आप बिल्कुल, और बिल्कुल सीधी टेल है। ठीक है, तो इस चीज़ों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आपका पपी ईजिली असली गोल्डन रिट्रीवर है भी या फिर डुप्लीकेट ले आए हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको हमारी मैगी अच्छी लगी हो, अगर मैगी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैगी कैसी लगी हमारा गोल्डन रिट्रीवर जो है। बाकी जैसे जैसे इसको ट्रेंड करेंगे उसकी ट्रेनिंग की वीडियोस भी आएंगी, ठीक है, इसका वैक्सीनेशन होना है, वैक्सीनेशन एक पपी का कैसे होता है, कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती हैं, ओवरऑल वो सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगा तो, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।